डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मी गोपीचंद की हत्या में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हस्तिनापुर के एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक गणेश आनंद ने गोपीचंद पर अजीबोगरीब आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि गोपीचंद तंत्र मंत्र विद्या के जरिए अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था, इसलिए गोपीचंद ने उससे संपर्क किया। तांत्रिक ने उसकी पत्नी को मारने के नाम पर उससे 4 लाख रुपए ठगे थे। तांत्रिक गोपीचंद की पत्नी को तो मार ना सका, लेकिन पैसों का लालच उसके अंदर था और खुद के फंसने का भी डर था, जिसके चलते उसने गोपीचंद को ही मौत के घाट उतार दिया व शव को गंग नहर में बहा दिया। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल गोपीचंद 26 मार्च से 8 अप्रैल तक की छुट्टी पर अपने गांव पोहलवी आया हुआ था। इसी दौरान एक दिन वह थोड़ी देर से लौटने की बात कहकर घर से गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के कुछ दिन बाद गोपीचंद की हत्या की बात सामने आई। शुक्रवार रात पुलिस ने गोपीचंद के हत्यारोपी गणेश आनंद को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आया। सुनिए तांत्रिक की जुबानी। मेरा नाम गणेश आनंद है और मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हमारी उसके एक साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से, और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफ़ी ले लिया था, इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। क्या तारीख? 26 तारीख थी, तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि थी साथ में, उसको भी दो तीन दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नकद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया था। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल। कुछ पछतावा हो रहा है? हाँ पछतावा हो रहा है। किस बात का? बस मारने का पछतावा हो रहा है। जेल जाने का नहीं हो रहा? जेल जाने का भी हो रहा है, जब प्रायश्चित करूंगा जाके। जेल तो जाने जाना है, जेल जाना पड़ेगा, वो तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपीचंद था और सदना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सदना पे दर्ज कराई गई थी, और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि ये गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था, और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302-201 का मुकदमा गणेशानंद के खिलाफ़ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। गोताखोर और PSC की फ्लड कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। क्या सर तांत्रिक अकेला था या कोई और भी इसका साथी साथ? नहीं, तांत्रिक अभी तक अकेला था, वो अकेले आश्रम में रहता था और उसी के द्वारा ये हत्या किया जाना
बताया गया।